अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। वन विभाग के द्वारा बाल मजदूरी कराए जाने का मामला प्रकाश में। झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के भंडरिया वन परिक्षेत्र अंतर्गत अधिकारियों के तूफानी दौरे के बावजूद बचपन कुचल रहे हैं। गढ़वा जिले के भंडरिया वन परिक्षेत्र भ्रष्टाचार एवं बाल मजदूरी के लिए विख्यात होता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ समय पूर्व कुछ सक्षम अधिकारियों के तूफानी दौरे देख यकीन करने का जी कर रहा था कि शायद इस तूफानी दौरे से प्रशासनिक कसावट आए और शायद कुछ बेहतर की उम्मीद की जा सके, लेकिन उम्मीदें सब झूठी साबित होने लगी जब NH-11 मुख्य सड़क गढ़वा भंडरिया के सरईडी के वन विभाग के क्वार्टर के पास 12 से 15 वर्ष के मासूम बच्चों से वन विभाग के द्वारा कार्य कराया जा रहा था, तभी अचानक रिपोर्टर का नजर उन मासूम बच्चों पर पड़ी, जिसे देखकर प्रधानमंत्री का चुनावी स्लोगन याद आने लगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। उम्र से अधिक वजन अपने हाथों में उठा रहे मासूम बच्चों से बात किया तो बताया कि हमें जबरदस्ती लाया गया है, हम लोग नहीं आ रहे थे और एक बच्चा तो डरे सहमे शब्दों शायद हमें जेल ना हो जाए इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब इस संबंध में रेंजर गोपाल चंद्र से संपर्क करने के लिए कई बार फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। DFO गढ़वा को फोन किया गया था, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया गया है। इस संबंध में जब बीट गार्ड से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनका नंबर उपलब्ध नहीं होने के कारण बात नहीं हो पाया। अब यह देखना बाल मजदूरी कराने वालों जिम्मेवार अधिकारियों के ऊपर सरकार कार्रवाई करती है या भ्रष्टाचार या बाल मजदूरी के लिए वन विभाग को छूट दे देती है, अब तो यह वक्त ही बताएगा।